नमस्कार दोस्तों, भाई बिग बॉस में तो धमाका पे धमाका हो रहा है। न्यू वाइल्ड कार्ड एंट्री हुआ है अदनान शेख का। भाई अब तो लग रहा था एलविस यादव के कट्टर विरोधी अदनान शेख आया है और राव साहब के अपना खास भाई कटारिया हैं, तो मजा आएगा बिग बॉस में। लेकिन भाई बोरिंग ही कर दिया, ऐसा क्या हुआ है? जहां पे समझ रहे थे हीरो आ रहा है, जीरो आ गया। भाई आते ही बेजीती करवा ली। आज पूरा विस्तार से बताएंगे, ये वीडियो पूरा देखिए। अगर आप भी इतने बड़े यूट्यूबर बनना चाहते हैं, एलविस यादव बनना चाहते हैं, अदनान शेख बनना चाहते हैं, या कटारिया बनना चाहते हैं, एक और यूट्यूबर है अरमान मनिक या शिवानी बनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को फॉलो कीजिए और भाई सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर दबा दो, जिससे आप भी बड़े यूट्यूबर हो सकते हैं। और मेरे जितने भी लॉन्ग वीडियो है वो जाके देखिए। अब आते हैं मेन टॉपिक पे। भाई हम तो कभी बिग बॉस देखते भी नहीं थे, पता भी नहीं था। पिछले सीजन में जब वाइल्ड कार्ड एंट्री आया था राहुल साहब, भाई उसका एक रील दिखा था, इतना अच्छा लगा था। उसके बाद मैंने आज तक मैं बोल रहा हूं एक भी एपिसोड मिस नहीं किया हूं। लेकिन अब क्या भाई, एक बोरिंग बंदा आ गया। और वाइल्ड कार्ड के एंट्री का मतलब क्या है, उसकी मतलब अगर सही तरीके से बोला जाए ना, एलविस यादव। अगर कहीं पर भी वाइल्ड कार्ड एंट्री लिखा जाता है ना, वहां पर लिख के दे दो भाई राव साहब, बस बात खत्म। इसी तरीके से होते हैं वाइल्ड कार्ड एंट्री। जब परसों के एपिसोड में हमने देखा वाइल्ड कार्ड आ रहे हैं कितने भाई, 11 मिलियन फॉलोअर, तब लग रहा था। अब लग रहा है भाई कट्टर आए हैं, क्योंकि कटारिया के पीछे तो एलविस यादव खड़ा ही है। अब आएगा मजा, अब मजा होगा दोगुना। फिर मैंने नेट पे सर्च किया, तब पता चला भाई एलविस यादव तो पहले से ही इस सब को बैंड बजा के रखा है। जब टिकटॉक बैन हुआ था स्टार्टिंग, तो भाई यही सब किया था। आज जो अपना न्यू वर्ल्ड कार्ड है बिग बॉस का, वो टिकटॉक से ही फेमस हुआ था ये सब। अब भाई टिकटॉक बैन कराने वाला, जब स्टार्टिंग वाला भाई एलविस यादव ही था जो पहला वीडियो बनाया था, तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा राइवली है। और भाई इससे भी बड़ा चीज है, इतने बड़ा इन्फ्लुएंसर, अब तो लग रहा था मजा आएगा। क्योंकि इस तरीके से लग रहा था भाई कटारिया, देखो क्या होता है, एलविस यादव खुद रहे और उसके बिहा पे कोई सपोर्ट करे, दोनों में डिफरेंस होता है, तो ये चीज मेन होता है। लेकिन जब मैंने देखा कल के एपिसोड, भाई मुझे इतना अच्छा लगा। फिर आज का मैं देख रहा हूं, डे वाइज वाला देख रहा था, उसमें अदनान शेख को तो बिग बॉस बोल दिया तुम बाहर निकल जा, तू न्यूज पेपर है भाई, तू तो जब बाहर का न्यूज पेपर, तुमसे अच्छा न्यूज पेपर तू बाहर निकल जा। भाई मुझे तो आश्चर्य नहीं हुआ, ठीक है, आश्चर्य नहीं हुआ। मुझे पता है वो सब किस तरीके से मेंबर है, क्योंकि अपना ये यूज करते नहीं है भाई, इस तरीके से थोड़ी होगा। आप वाइल्ड कार्ड आए हैं, इंटरटेन करने के लिए आए, इंटरटेन करो ना, ये क्या है, ये चीज समझिए। दूसरा चीज, आप अभी के टाइम में एक न्यूज खबर आ रहा है जो भाई सबको, जैसे आप देखिए कटारिया, विशाल, कृतिका, नेजी, ये सब नॉमिनेट थे, उन सबका नॉमिनेट कैंसिल हो गया। अब ओनली एक कर दिया है अदनान शेख को, जो भाई घर के लायक है या नहीं, यस या नो करने के लिए, वोटिंग करने के लिए। अब देखो क्या मजा आते हैं भाई। आज के दौर में बिग बॉस नहीं है, ये लग रहा है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। और ये क्यों किया जा रहा है, हमको जो लग रहा है, जो भाई अब देखा जा रहा है एलविस यादव कटारिया के टक्कर में ये बैठता है कि नहीं। और दूसरा चीज, अगर वाइल्ड कार्ड आया है, इसको अगर नॉमिनेट करते हैं तो भाई न्यू आएंगे ना क्या, सब्सक्राइबर, व्यूअर, तो इसको वोट करने के लिए भाई जियो सिनेमा ऐप डाउनलोड करेंगे, आप फिर सब्सक्राइब कराएंगे 29-29 रुपया का, तो उसका भी खेल होता है ना, माइंड गेम खेला जा रहा है भाई। इस तरीके से वाइल्ड कार्ड की एंट्री, एलविस यादव, हम तो सोच रहे भाई एलविस यादव के टक्कर के आएंगे, लेकिन भाई मजा नहीं आया। मैं पर्सनली बोल रहा हूं, मुझे मजा नहीं आया। आप देख रहे हैं इससे लाख गुना बेहतर है भाई शिवानी कुमारी। मैं शिवानी कुमारी को ऐसे भी फेवरेट है, मेरा फेवरेट है, कटारिया फेवरेट है। और बिग बॉस में देख लीजिए कोई रियल है ना, तो शिवानी कुमारी है। और मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, ये चीज एलविस यादव भी जानता है। जब कटारिया बाहर जा रहा था, तब चक्की चलाने के बात आई थी ना, अकेला बंदा है जो 2 घंटा चक्की चलाया था, सोच सकते हैं। उसको बोलते हैं देसी पावर, गांव की पावर। और ये एलविस यादव को भी अकल आ गया होगा, जो भाई किस तरीके से। और एक चीज और बताइएगा, अगर आप सब एलविस यादव के फैन हैं, तो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो,
अगर आप सब न्यू मीडिया इन्फ्लुएंसर या यूट्यूब पर बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। जितने भी पहले से सब्सक्राइब करके रखे हैं बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। अगर जो अदनान से किए हैं तो भाई कमेंट करो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, पता तो चले भाई किसका ज्यादा फैन है और कौन ज्यादा कर रहा है। एक चीज और है, कटारिया के जो फैन है इस वीडियो को लाइक करो, और जो अदनान से किए हैं भाई इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। देखता हूँ किसका ज्यादा फैन है और कौन बिग बॉस में हल्का मचाते हैं। और आज एपिसोड भाई वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ, रात को 8 बज चुके हैं और एडिटिंग करूंगा तब तक 9 बज जाएगा, तो हमको बिग बॉस भी देखना है, इसलिए चलते हैं। आप सब तब तक जाके हमारे जितने भी लॉन्ग वीडियो हैं देखिए, सीखिए और आप सब भी बड़ा बनिए, जो आप सब भी एक दिन बिग बॉस में जा सकते हैं।